ये हम हायर का जो नया 25 लीटर का माइक्रो है, आप इसको किस प्रकार इजीली ऑपरेट कर पाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका पूरा पैनल है। यहाँ पहला बटन है इसकी माइक्रो पावर। आप पहली बार इसे प्रेस करेंगे तो ये शो करता है माइक्रो की 100% पावर। आप इसी को प्रेस करते रहेंगे, अगेन 80%, 50%, 30% और 10% पावर जाएगी। ये अलग अलग पावर लेवल अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ 100% पावर लेवल की, तो आप जो भी रेगुलर आइटम बनाते हैं, जो गैस में कुक करते हैं, लाइक पुलाव है, इडली है, ढोकला है, वेजिटेबल्स हैं, वो 100% पावर में बनेंगे। अगर मैं बात करूँ माइक्रोवेव पावर 80%, तो जो भी आप करी वाले आइटम बनाते हैं, लाइक अंडा करी है, आलू करी है या मटर करी है, जो भी आप करी वाले आइटम बनाते हैं, वो माइक्रो की 80% पावर बनेगी। मैं इसे अगेन प्रेस करता हूँ तो ये हो जाएगा माइक्रो की 50% पावर। आप मक्खन से घी निकालते हैं, कढ़ी बनाते हैं, उस प्रकार का काम आप माइक्रो की 50% पावर में कर सकते हैं। अगेन मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये हो जाएगा माइक्रो की 30% पावर। आप जो भी लाइक आप कॉफ़ी बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि टी और कॉफ़ी आपकी स्ट्रांग हो और प्रॉपरली कुक हो, तो आप इसे माइक्रो की 30% पावर में कर सकते हैं। और अगेन लास्ट प्रेस करता हूँ तो ये हो जाएगा माइक्रो की 10% पावर। आप आइसक्रीम और बटर को अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो माइक्रो की 10% पावर में कर सकते हैं, जिससे ये आइसक्रीम बटर को सॉफ्ट कर देगा। अब अगेन जो सेकंड बटन है वो है ग्रिल। अब देखिए, आपके माइक्रो के टॉप में यहाँ एलिमेंट लगे होते हैं, इसे हम लोग ग्रिल एलिमेंट कहते हैं। ये देखिए, ये जो आपको एलिमेंट नजर आ रहा है, आप ग्रिल में कोई पावर नहीं होती, ग्रिल ऑलवेज 100% चलता है। आपने ग्रिल का बटन दबाया, टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया, ये ग्रिल ऑन हो गया। नेक्स्ट जो बटन है वो है कनेक्शन। कनेक्शन का बटन प्रेस करेंगे, ये पहली बार शो करेगा टेम्परेचर 140 डिग्री। आप इसी को अगेन प्रेस करेंगे 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 और फिर 140। तो जो भी आपने टेम्परेचर लेना है, आपने पहले टेम्परेचर सेलेक्ट करा, देन फिर स्टार्ट का बटन दबाया। ये देखिए, ये टेम्परेचर ये माइक्रोवेव इस टेम्परेचर पर प्रीहीट होना शुरू हो गया है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स प्रीहीटिंग चालू है। जैसे ही प्रीहीटिंग पूरी होगी, ये जो टेम्परेचर है ये ब्लिंक करेगा और एक ये बीप देगा, इट मीन्स ये माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। देन आपने डोर खोलना है, टाइम देना है और स्टार्ट कर देना है, जितना आपको टाइम चाहिए। नेक्स्ट जो बटन है वो है कॉम्बिनेशन। अब इसमें कॉम्बिनेशन में पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका माइक्रो कनेक्शन कॉम्बिनेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं कुक एंड बेक हो, एग्जाम्पल के लिए बेक वेजिटेबल, आप चाहेंगे वेजिटेबल प्रॉपरली कुक हो और जो चीज़ है वो प्रॉपरली बेक हो, तो इसके लिए यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन 1, जो कि माइक्रो कनेक्शन कॉम्बिनेशन है। अगेन प्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन 2, ये है हमारा ग्रिल और माइक्रो कॉम्बिनेशन। आप कोई भी ऐसी चीज़ लाइक स्टफ करेला, स्टफ टमाटो, स्टफ पोटैटो, स्टफ भिंडी, आप चाहते हैं वो कुक भी हो और रोस्ट भी हो, तो वो करेंगे आप हमारे माइक्रो ग्रिल कॉम्बिनेशन में, जो कि कॉम्बिनेशन 2 में आएगा। अगेन प्रेस करता हूँ तो कॉम्बिनेशन 3, जो कि है कनेक्शन ग्रिल कॉम्बिनेशन। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं रोस्ट भी हो और बेक भी हो, एग्जाम्पल के लिए होल चिकन, आप चाहते हैं वो टॉप से परफेक्टली रोस्ट हो और जो साइड लेयर है वो प्रॉपरली बेक हो, तो वो हमारा बनेगा माइक्रो ग्रिल और कनेक्शन कॉम्बिनेशन में। तो ये है तीसरा कॉम्बिनेशन था, और ये है 4-1 कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमारा माइक्रो ग्रिल कनेक्शन तीन ऑप्शन एक साथ प्ले करेंगे। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ जो चाहते हैं वो कुक भी हो, रोस्ट भी हो और बेक भी हो, तो वो बनेगी हमारे माइक्रो ग्रिल कनेक्शन इन तीनों के कॉम्बिनेशन में। तो ये था हमारा बटन ऑपरेटिंग। अब देखिए, माइक्रो में आप देखते हैं ये ऑटो कुक मेन्यू, जो कि हमारे पैनल के डोर के ऊपर पैनल के ऊपर प्रिंट है। अब ये ऑटो कुक मेन्यू एक नहीं है, ये करीब 300 ऑटो कुक मेन्यू है। अब हमने क्या कर रखा है, इन 300 ऑटो कुक मेन्यू को डिस्क्राइब कर रखा है छोटे छोटे, मतलब इसको आप एक सीक्वेंस वाइज। आप ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे डोर पे जो नंबरिंग है, यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर में लिखा हुआ है ऑयल फ्री कुकिंग, 2 नंबर में लिखा हुआ है आपका ब्रेड बास्केट जोन, 3 नंबर में है टेस्टी करीज, 4 नंबर में इंडियन कॉन्टिनेंटल, 5 में है इंडियन बाइक, 5 में है, 6 में है ब्रेड बास्केट। तो इस तरह हमने इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया। जो भी आपने ऑटो कुकिंग में कैटेगरी लेनी है, से एग्जाम्पल मैंने 5 नंबर बटन दबाया इंडियाज बेस्ट, मैं इसे प्रेस करूँगा, इसे 3 सेकंड प्रेस करूँगा, यहाँ IB आ गया, इट मीन्स इंडियाज बेस्ट। देन अब इस इंडियाज बेस्ट की अगर बात करूँ, अब एक बार ऊपर देखिए, इसमें एक नहीं 10 या 12 रेसिपी होगी, तो मेरे को जो भी रेसिपी लेनी है, मैंने यहाँ रेसिपी पढ़ी, देन फिर मैं वापस पैनल पे गया। अब जो मेरी रेसिपी नंबर मैंने सेलेक्ट करा, से एग्जाम्पल मैंने 4 नंबर रेसिपी दी, मैंने ये 4 प्रेस करा, 4 नंबर आ गया। देन मैं इसमें नीचे एक बटन है मेमोरी और वेट, तो मैं इसे प्रेस करूँगा,
ये इसका वेट शो करेगा, ये 200 ग्राम वेट ले रहा है। अब इस पर फिक्स वेट है 200 ग्राम, देन मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये 21 मिनट लेगा और इस फूड को प्रॉपरली बना देगा। और ये जो फूड है हमारा, ये ऑटोकुक मेनू में ग्रिल मोड में बन रहा है। तो ये है ऑटोकुक मेनू, इसी तरीके से ये सारे ऑटोकुक मेनू प्ले करेंगे। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब इसमें जो एक और ऑप्शन है, ये देखिए, ये स्टॉप और स्टार्ट, अगर आप डायरेक्टली इस माइक्रो को प्ले कर रहे हैं, आप एक बार स्टॉप का बटन दबाएंगे ये माइक्रो पॉज हो जाएगा, अगर आप दो बार प्रेस करेंगे ये स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट का बटन अगर आप डायरेक्टली प्रेस करते हैं लाइक दिस, तो ये माइक्रो की 100% पावर शो करेगा। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट का बटन डायरेक्ट दबाया, ये माइक्रो की 100% पावर में 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो गया। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, माइक्रो मोड कभी भी एम्प्टी नहीं चलाते हैं। अब देखिए, इसके पैनल पे नीचे बटन है रीहीट मेन्यू, अगर मैं रीहीट मेन्यू को एक बार दबाऊं तो ये देखिए, यहाँ लिखिए H1। अब यहाँ देखिए, इस रीहीट मेन्यू में चार ऑप्शन है, ऑटो रीहीट है, डिनर प्लेट रीहीट है, कॉफ़ी रीहीट है, या फिर रोल जो आप खाते हैं, एग रोल, पोटैटो रोल, पनीर रोल, वो है। अपने H1, H2 जो आपने बनाना है, साइड रीहीट करना है। से एग्जाम्पल, मैंने डिनर प्लेट रीहीट करनी है, मैंने दो नंबर लिया, देन स्टार्ट का बटन दबा लिया, ये ऑटो स्टार्ट का बटन दबाया, ये 2 मिनट का टाइम लेगा और ये स्टार्ट हो गया। तो ये है हमारा रीहीट मेन्यू। अब नेक्स्ट है आपका क्लॉक और किचन टाइमर। ये क्लॉक दबाऊंगा तो ये आपका स्टॉप वॉच है, ये स्टॉप वॉच है, आप जितना टाइम देखिए स्टार्ट करेंगे ये चलती रहिए, ये सिर्फ क्लॉक स्टॉप वॉच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है ये मेमोरी फंक्शन है, मैंने इसे दबाया, यहाँ मेमोरी 1 आ गया, यहाँ मेमोरी देखेंगे तो मेमोरी 3 है इसमें। मेमोरी 1 में से एग्जांपल मैंने माइक्रो पावर सेलेक्ट करी 100% में और इसका टाइम दिया 10 सेकंड स्टार्ट। जब भी एक नंबर दबाऊँ स्टार्ट करूँगा ये माइक्रो की मेमोरी की 10% माइक्रो मोड 100% पावर में 10 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे प्रेस करूँ मेमोरी 2, तो मेमोरी 2 में मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रिल और टाइम दिया मैंने 50 सेकंड और स्टार्ट हो गया। ये हमेशा 50 सेकंड स्टार्ट होगा। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने मेमोरी दबाया, मेमोरी 2 लिया और स्टार्ट का बटन दबाया, ये ग्रिल 50 सेकंड स्टार्ट हो गया। स्टॉप कर दूँ उसमें। नेक्स्ट जो बटन है डिफ्रोस, मैंने डिफ्रोस दबाया तो डिफ्रोस देखेंगे 4 है। पहला है डिफ्रोस बाय टाइम, दूसरा है डिफ्रोस बाय वेट, थर्ड है ग्राउंड मीट और चौथा है सी फूड। जो आपने डिफ्रोस